यूनिट 12 का जो नाम है वो है डेसिमल्स। डेसिमल्स, डेसिमल्स को हम हिंदी में बोलते हैं दशमलव। और जिसको हम डिनोट करते हैं पॉइंट। ठीक है, तो देखो देखो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है। डेसिमल फ्रैक्शन डेनोमिनेटर आर मल्टीपल ऑफ 10, दैट इज 10, 100, 1000। द डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स मीन्स हर जो होते हैं किसी भी फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर होते हैं अगर वो मल्टीपल है किसका, 10 का, जैसे कि 10 है, 100 है या फिर 1000 है, तो वो किससे जानी जाती है, डेसिमल फ्रैक्शन से। ठीक है, तो देखो अभी जैसे आपके पास है 45/10, 45/10, अब इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है, तो डेसिमल में जब हम इसको चेंज करेंगे तो 45 है, 10 में हमारी जीरो कितनी है, 1, तो लास्ट से पीछे से 1 डिजिट काउंट करो और पॉइंट लगाओ। पॉइंट लगाने पे ये क्या हो गया, 4.5। माय नेक्स्ट एग्जांपल इज 139/100। अब इसका जो डेनोमिनेटर है वो क्या है, 100, जो किसका मल्टीपल है, 10 का। अब इसको लिखेंगे 139, पॉइंट लगाएंगे 1 2 1 2, तो ये क्या हो गया, 1.39। अब हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें देखिए पार्ट ए में देखिए, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट दी फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस एज डेसिमल। माय फर्स्ट एग्जांपल इज 1/10, 1/10, अभी ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन, क्या है, फ्रैक्शन, और जब इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी, 0.1, 0.1। माय नेक्स्ट एग्जांपल इज 3/100, 3/100, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, 3 है, क्या है, 3, लेकिन हमारे पास 100 में 0 कितनी है, 2, तो 3 के लेफ्ट साइड में हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तो 0.03। माय नेक्स्ट एग्जांपल इज 17/1000,
17 अपॉन 1000, इसको करेंगे 17, 17 में डिजिट कितनी है 2, और हमें कितनी लेके आनी है 1, 2, 3, तो जीरो लगाएंगे 0.017, 0.017, My next question is, write the following as a decimal fraction. Write the following as a decimal फ्रैक्शन, किसमें लिखना है, डेसिमल फ्रैक्शन में. तो देखो हमारे पास है 0.07, 0.07, इसको हम लिखेंगे. तो देखो कैसे लिखेंगे, 7 अपॉन 1, 1 के बाद देखो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करेंगे 1, 2, तो 2, 0, 7 अपॉन 100, 7 अपॉन 100. My next example is 0.5. इसको हम करेंगे 5 अपॉन 5 अपॉन, तो 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो 5 अपॉन 10, 5 अपॉन 10. अगर इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 1 अपॉन 2. My next example is 32.4, इसको हम लिखेंगे 324 अपॉन, पॉइंट के बाद डिजिट कितनी है 1, तो 1 और 0. अगर इसको काटना चाहो तो 2 से काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 अपॉन, 2 से 10 को काटेंगे, 2 5 जा 10, 162 upon 5. My next question is, write the following decimal in words. Write the following decimal in words. अब हमें इसे किसमें लिखना है, words में. तो देखो my first example is 6.1, इसको हम लिखेंगे 6.1. next example है 38.25. अब जिस तरीके से हम नंबर नेम पढ़ते हैं, 38 point, और पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उसको हम कैसे पढ़ते हैं, 1 by 1. जैसे कि हमारे पास ये क्या है, 25 है, लेकिन हम इसको क्या पढ़ेंगे, 2 5. My next example is, इसको जब हम लिखेंगे तो 141.02.
अभी से आपके पास ये तो इसको हम लिखेंगे 239.004 Following in figures, write the following in figures. किसमें फिगर में जैसे कि आपके पास है .26 तो इसको जो हम लिखेंगे 0.26 माय नेक्स्ट एग्जांपल इज 0.05 नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 62.218 तो 62 का पॉइंट 218 यानी कि पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं उनको हम सिंगल सिंगल पढ़ते हैं. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ईच ऑफ द following in place value chart and write the place value of its each digit. Write each of the following place value chart. किसमें लिखना है? Place value chart में. ठीक है. And write the place value of its each digit. और इनकी place value लिखनी है. तो देखो कैसे लिखेंगे. .78 अब इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लगाएंगे तो देखो प्लेस वैल्यू चार्ट जो होता है वो हमारा किस तरीके से होता है. इधर हम पढ़ते हैं वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड. ठीक है. वंस के बाद यहाँ आएगा हमारा डेसिमल और डेसिमल के बाद इधर क्या आएगा टेंथ हंड्रेड. ठीक है.
अब देखो हमारा डेसिमल है, डेसिमल को हम किससे डिनोट करते हैं, पॉइंट से, तो ये पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगा दिया सेवन, सेवन को हम किसके नीचे लिखेंगे, टेंथ के, हंड्रेड, हंड्रेड के नीचे क्या लिखेंगे, एट, तो पॉइंट सेवन एट, पॉइंट सेवन एट, ये इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया हमने। अभी है जैसे कि आपके पास 6.345, 6.345, इसको हम लगाएंगे किसमें, प्लेस वैल्यू चार्ट में, तो देखो इसी में लगा के दिखाते हैं, पॉइंट है, ये पॉइंट लगा दिया 6.34, और ये जो फाइव है वो किसमें आ जाएगा, थाउजेंड में, इसमें आ जाएगा थाउजेंड्स में। क्लास सारी क्लास का हिमांशु यादव, लोकेश, लोकेश तो यही ना, माय नेक्स्ट एग्जांपल इज जैसे कि देखो 31.207, 31.207, इसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट में लगाएंगे, किसमें लगाएंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट में, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, वंस के इधर क्या आएगा, डेसिमल, डेसिमल के बाद क्या आता है, टेंथ, टेंथ के बाद हंड्रेड्स, और हंड्रेड्स के बाद थाउजेंड्स, ठीक है। अब 31.207 डेसिमल को डिनोट करते हैं हम पॉइंट से, पॉइंट लगा दिया, अब वन को एक कॉलम में एक डिजिट लिखनी है, तो 1 3, 31.207, 31.207, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड का मतलब होता है प्रसादीय रूप, एक्सपेंडेड का मतलब होता है प्रसादीय रूप, यानी कि इसको बड़ा करके लिखना है, तो माई फर्स्ट एग्जाम्पल इज 1.86. अब इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, तो 1 प्लस 8 अपॉन, अब देखो 8 जो है पॉइंट के बाद 8 अपॉन 10 प्लस 6, पॉइंट के बाद 6, 1 2 डिजिट है, तो 6 अपॉन 100, माय नेक्स्ट एग्जांपल इज 2.345, इसको हम लिखेंगे 2 प्लस 3 अपॉन 10, 3 अपॉन 10, 4 अपॉन 100 प्लस 5 अपॉन 1000, अब देखो 3 के नीचे हमने 10 लिखा है, 4 के नीचे 100 लिखा है, और 5 के नीचे 1000 लिखा है, क्यों, क्योंकि देखो 3 जो है पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट है, 4 जो है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है,
और फाइव जो है वो पॉइंट के बाद वन टू थ्री, तो कितनी जीरो आएंगी, थ्री। माय नेक्स्ट एग्जांपल इज 314.413, इसको करेंगे तो देखो ये 314 है, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 300 प्लस 10 प्लस 4, 300 प्लस 10 प्लस 4 प्लस, अब इसको लिखेंगे 4 अपॉन 10, 1 अपॉन 100 एंड 3 अपॉन 1000। आज के लिए इतना ही, तो आज के लिए इतना ही। हेलो, हाँ तो बच्चों जो आज आपने पढ़ा हुआ आपको समझ में आया? यस या नो? नो मैम। देखो अब मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ, जैसे आपके पास है 178.1, इसको हमें किसमें लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या है 170, सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड देंगे तो 100 प्लस 70 प्लस 8, इतना समझ आ गया? यस मैम। गुड, अब देखो इसके आगे क्या है हमारे पास, प्लस, हम सबको प्लस करेंगे, प्लस ये क्या है 1,
वन है, तो वन के बाद देखो वन जो है पॉइंट के बाद वन जो है वन डिजिट है, सिंगल डिजिट है ये नहीं मैम, सिंगल सिंगल है, तो वन अपॉन टेन। अब सपोज करो इसके आगे टू और होता, yes, तो प्लस टू अपॉन क्या आएगा, टू अपॉन वन, वन तो लिखना ही है और पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लो, वन टू, टू डिजिट है तो टू जीरो, टू अपॉन हंड्रेड। यस मैम। अभी देखो 469.326 ये 469.326 इसको हम करेंगे, पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा 400 प्लस 60 प्लस 9 प्लस प्लस आगे 3 upon 10 10 प्लस 2 upon 100 प्लस 6 upon 1000 अब समझ में आ गया? यस मैम। गुड। फिर से देखो एक बार 2648.2826 2648.286 अब इसको एक्सपेंड करना है, बताओ पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो टू के बाद वन टू थ्री, वन टू थ्री, 2000 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 2 upon 10 प्लस 8 upon 100 प्लस 6 upon 1000 अब समझ में आ गया? यस मैम। वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।
Hey, 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 hey.